मैं जितेंद्र सिंह अपने यूट्यूब चैनल सिंह मेडिकल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे DVT मतलब डीप वेन थ्रोम्बोसिस। इसके बारे में हम पूरी जानकारी देंगे। वीडियो में आप अंत तक बने रहें ताकि आप लोगों को जानकारी पूरी मिल पाए। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप लोगों को वीडियो पूरी अच्छी तरह से मिले और जानकारी आप लोगों की बढ़ पाए। तो आइए चलते हैं वीडियो में आगे, जानते हैं DVT मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। अब इसका मीनिंग क्या होता है, ब्लड क्लॉट इन लेग वेन्स। ये जरूरी नहीं कि लेग में ही होगा, लेकिन ये जो DVT होता है या डीप वेन थ्रोम्बोसिस होता है वो है लोअर एंड या बॉडी के लोअर पार्ट में, या कहें तो हमारे निचले हिस्से में, जांघ में या लेग में, पैर के निचले हिस्से में ये प्रॉब्लम हो सकता है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस या ब्लड क्लॉट इन लेग वेन्स या हमारे नसों में ब्लड का थक्का बनना ही DVT। अब हम बात करेंगे इसके लक्षण की, इसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे लेग स्वेलिंग, आपके पैर में सूजन रहेगा, लेग पेन, आपके पैर में दर्द होगा, क्रैम्पिंग मतलब आपके पैरों में मरोड़ सा दर्द होगा, चेंज इन स्किन कलर, आपके स्किन का कलर चेंज होगा, सचेज रेड और पर्पल, रेड गाढ़ा रेड भी हो सकता है या पर्पल भी हो सकता है, या आपके स्किन के कलर के वाइज वो डिफरेंट डिफरेंट कलर में तब्दील हो जाता है या बदल जाता है। अब हम बात करते हैं और आगे नेक्स्ट कारण की, ए फीलिंग ऑफ बर्न्स ऑन द इफेक्टेड लेग, मतलब आप वहां फील कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, आपको गर्म महसूस होगा, हल्का सा वहां पर गर्म सा लगेगा। ते हो गए इसके लक्षण, ये तो हो गया लेग का। सेम कभी कभी 10% 5% जो अपर के हिस्से में होता है वह आर्म में होता है, फोर आर्म में होता है, या कहें तो बाजू में और हाथ में ये, और कंधे में भी यह प्रॉब्लम हो सकता है। अब हम बात करते हैं इसके कारण की, कौन कौन से कारण हैं कि जिसकी वजह से यह प्रॉब्लम हो सकता है। तो सबसे पहले मेन कारण एक होता है कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस और डैमेज टू ए वेन, मतलब एक कैसे डैमेज हो जाता है, सर्जरी के दौरान सर्जरी हो रही है, किसी तरह से उस पर चोट लग गई, उस दौरान फॉर्मेशन एंड डैमेज ड्यू टू इन्फेक्शन और इंजरी, मतलब उसमें सूजन हो या चोट के कारण डैमेज हो या वहाँ इन्फेक्शन हो गया हो, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। अब किन किन एज वालों में यह ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, किन मतलब किन किन को ज़्यादा रिक्स दे सकता है बीमारी, किन किन को होने की ज़्यादा संभावना रहते हैं DVT या डीप वेन थ्रोम्बोसिस, किन किन लोगों में ज़्यादा होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो ये जानते हैं इसके बारे में। एज आपका होता है 50 से एवब वाले में, 50 से ऊपर वाले में अधिकतर देखा जाता है मामला डीप वेन थ्रोम्बोसिस, लेकिन ये कोई मायने नहीं रखता है कि 50 साल से ऊपर वालों का भी, लेकिन बहुत रेयर कम बहुत कम चांस में होता है कि जो 50 साल से कम नीचे वालों को भी यह हो सकता है, जिनका मूवमेंट नहीं होता, जो एक ही जगह बैठ के काम करते हैं, बैठे रहते हैं, उनको ये प्रॉब्लम होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि बैठने से जो हमारे विंस का या जो हमारा ब्लड का सर्कुलेशन या फ्लो होता है वो पूरे नीचे तक दौड़ा नहीं कर पाता, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। इंजरी और सर्जरी, मतलब चोट लगी हो या सर्जरी के दौरान चोट लगी हो, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। प्रेगनेंसी, जिनको प्रेगनेंसी है उनको भी ये प्रॉब्लम हो सकता है, वॉकिंग करते हैं उनको भी ये प्रॉब्लम हो सकता है, कैंसर वालों को भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। हार्ट फेलियर, मतलब जिनको हार्ट अटैक आया है या हार्ट ज़्यादा रहते हैं, जैसा कि हर बीमारियों का 1% 2% जेनेटिक्स होता है, उसी तरह से DVT भी एक जेनेटिक्स रोग में भी माना जाता है।
अब हम बात करते हैं किन लोगों में जिनको ये इंफ्लामेटरी बॉवेल डिजीज है, मतलब जिनके हाथों में सूजन है या हाथों की प्रॉब्लम या हाथों की बीमारी हो, उनको भी यह प्रॉब्लम कर सकता है। और ज़्यादा जिनको मोटापा हो उनको भी यह प्रॉब्लम दे सकता है। तो हो गए इसके डीबीटी के फुल फॉर्म, लक्षण और कारण, और किन किन लोगों को ज़्यादा इन्फेक्ट कर सकता है या ज़्यादा इससे इन्फेक्ट उनको असर कर सकता है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।